हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। स्क्रीन के आपके सामने क्वेश्चंस हैं, फाइंड द मिसिंग नंबर, पैटर्न वाले क्वेश्चंस हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्पफुल हैं। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। सबसे पहले फर्स्ट बॉक्स को देखिए, फर्स्ट बॉक्स को देखना है और पैटर्न को एनालाइज करना है। और यहाँ पर जहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर कौन सा नंबर आना चाहिए, ये हमें एनालाइज करना है। आप जल्दी से एनालाइज करिए, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर भी लिखिए और अभी इसको फाइनल भी करेंगे कि इसका आंसर क्या है। सेम हम सेकंड बॉक्स के लिए भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर इसको देखिए, पैटर्न को बड़े ध्यान से देखिए। इधर 5 और इधर 3, 5 और 3 के कॉम्बिनेशन से 125 बन रहा है। क्या होता है ये? 5 का क्यूब करें तो 125 होता है। क्यों होता है? क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई करना होता है। बिल्कुल ठीक, यानी कि ये 3 जो है 5 की पावर बनी। इधर 10 का स्क्वायर 100, 10 के सर पे 2 लगाया तो 100 आ गया। इसी तरह से दैट मीन्स सेम पैटर्न आगे फॉलो होगा। यहां 3 और उसकी पावर 4। अब 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए जी। 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81। दैट मीन्स यहां मेरा फाइनल आंसर क्या बनता है जी? 81 आएगा। राइट, आप अपना आंसर कंपेयर कर लीजिए, इसका आंसर 81 आएगा। सेकंड बॉक्स पे चलते हैं, बहुत इजी है सेकंड बॉक्स भी। पहले तो आप एनालाइज करिए, इसका आंसर सोचिए और इसके आंसर को जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखिए। और हम इसको एनालाइज करना स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए 3 2 14 5 4 28, हमें कुछ ना कुछ इसमें ऐसा निकालना होगा जो कॉमन हो, दोनों में सेम पैटर्न फॉलो होता हो। अभी देखा मैंने, क्या सोचा, 3 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो क्या आता है? 6 आता है। 5 मल्टीप्लाई 4 करते हैं तो 20 आता है। यहां तक तो देख लिया। अब 3 टाइम 2 इज 6, 6 में 8 ऐड किया तो बन गया 14, बिल्कुल बन गया। 5 टाइम 4 इज 20, इसमें 8 ऐड किया तो बन गया 28। तो यही पैटर्न फॉलो करेंगे। क्या बनेगा? 6 टाइम 5 प्लस 8 क्या बनेगा? 6 टाइम 5 इज 30, 30 प्लस 8 करेंगे तो 38 बनेगा। दैट मीन्स इसका आंसर आएगा जी 38। फर्स्ट वाले का 81, सेकंड वाले का 38। तो इस तरह से जब क्वेश्चंस आएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या किसी भी तरह के एग्जाम में, आप फाइंड द मिसिंग नंबर रीजनिंग क्वेश्चंस करेंगे तो एनालाइज करना बहुत जरूरी है और एनालिसिस की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस के साथ क्वेश्चन को देखते ही दिमाग में आ जाएगा कि इसमें यह पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और यह कंसेप्ट समझ भी आया होगा। और अगर यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।